ये मंदिर बना रखा है, देखो बिल्कुल पुराना मंदिर है वे, बिल्कुल बोल रहे हैं कि मराठी बोलनी आती है मेरे को। लो भाई यहाँ आ चुके। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब? एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। और भाई आज तो उठने में लेट हो चुके हैं, बजे हैं 7:30, 7:30, 7:30 बजे उठे हैं आज तो लेट। और ये आपके व्लॉगर जिगर चैंपियन अभी तक रेस्ट मोड में है। जिगरो देखो अभी है ये रेस्ट मोड में। और रात को हमने दे रखा था यहाँ पे रूम, आपको पुणे के अंदर एक खिड़की से बाहर का मेन रोड दिखाई दे रहा है, वे पीछे पेड़ वगैरह हैं। अब फटाफट से रेडी होके निकलेंगे, गोवा वाले रोड पे चल रहे हैं। गोवा रहता है 450-500 किलोमीटर। चलते रहेंगे। और आपका एक भी पैसा नहीं लग रहा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का, तो आप सपोर्ट करते रहिए। पूरा भारत घूमते रहेंगे और भी हौसला मिलता रहेगा। चलो अब फटाफट पैकिंग कर रही है सोनिया और फिर चलेंगे टूर पे दोबारा से राइड पे। ये जिगर देखो वे धीरे धीरे जमा दीवारों में जा लिया है। जिगर वे जिगर उठ गया है दीवारों। दीवार है बेटी आगे कदे बढ़ जाए दीवार में। जिगर है के देखा है फोन देखे देख लियो भाई। जिगर तो मैं फोन देखूंगा फिर खाना खाऊंगा। इसकी मौज हो रही है। ये जराब सोनिया की, ये मेरा मुंह का मास्क, चाबी, सारा सामान बिखरा पड़ा है। देखो भाई डाटा केबल इसमें लगा लिया करा। हे भोलेनाथ कृपा बनाए रखना। जय श्री बालाजी महाराज की, जय ओम बन्ना जी महाराज की। बाय बाय पुणे होटल। ले भाई हम रुके थे, आ रहा हूँ रेजिडेंसी। एसी नॉन एसी रूम, हमने नॉन एसी रूम ले रखा था भाई, अच्छा था होटल। अब प्योर वेज होटल मिलना मुश्किल हो जाता है अब प्योर। ये हमारी पाव भाजी भाई आ चुकी है नाश्ते में, पराठे वगैरह यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे ना, रोटियाँ थी सुबह सुबह नाश्ते में ये देते हैं। अब ये खाने के बाद निकलेंगे आगे के। बाजी बात गर्मा गर्म चाय का शानदार मजा, फुल गाड़ी चाय है भाई। 20 रुपये में इतू सा कप देते हैं भाई, इतू सा। जिगर बोल रहा बाइक पे नहीं पीऊँगा कोल्ड ड्रिंक, रोटी दिला रहे हैं कोल्ड ड्रिंक बंद कर दी, वो भी नॉर्मल ठंडी। आ जा जिगर जल्दी ले चल अपनी। ले भाई चलें अपने राइड पे दोबारा से। अच्छा मोन बुकावे के जी का देख लो भाई, मेरे को बुद्धू बना रहा है। ये बोल रहा है पापा ये अपनी बाइक नहीं है दूसरी है। नहीं बेटा ये अपनी छोटे वाली ही।
यशराज लोडी। चल बैठ बैठ। चलें भाई। सोनिया और ले रही है चुन्नी, क्योंकि ये ख़राब हो गई थी, जिगर को भी उड़ानी पड़ती है, तो ये कपड़े का काम करेगी। ये देखो भाई शो, यहाँ पे रुके हैं भाई। हाँ गर्मी भाई, कितना छुपा टॉप, गजब का व्यू है भाई। ऊपर पहाड़ों पे देखो घर बने हुए हैं। जोर से सामने पहाड़ों के नजारे। यहाँ पे रुके हैं जूस पीने के लिए, जूस पीने के लिए, और फिर करनी है चढ़ाई। बहुत ऊंची चढ़ाई है भाई पहाड़ के ऊपर से। चलते चलो चलते चलो। आज जूस आ चुका है भाई। इतनी ज़बरदस्त गर्मी थी, इतनी ज़ोर से प्यास लगी थी। नीरा मिलेल तो मेरे को मिला नहीं, क्योंकि नीरा मिलेल ढूंढ रहा था मैं। और अब पियेंगे जूस, ठंडा मीठा ताज़ा जूस। हाँ मजा आ गया भाई, जूस पी लिया। अब चलेंगे, स्वीट हो जाती है भाई। बार बार बहुत गर्म पानी डालना पड़ता है इसके ऊपर। बस बस बस, हो गई क्या जगह ठंडी? हटिए इस साइड हो जा। फैन खराब हो गई। लो भाई यहाँ आ चुके हैं नदी के पास देखने के लिए। ये है कृष्णा नदी। ये है भाई कृष्णा नदी, और ये चल रही है। यहाँ पे बंदे पकड़ रहे हैं शायद मछलियाँ। ये कृष्णा नदी है क्या? वो क्या पकड़ रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं क्या? ये भर के नहीं आती क्या कभी? भरी हुई भी आती है क्या? कब? बारिश के टाइम में? क्या मराठी बात तो बोलता? मराठी भाषा। हिंदी नहीं आती क्या भाई? इनको हिंदी नहीं आती। ये नदी है, नदी जो भर के आता है क्या कभी? हाँ। बारिश के टाइम में? और ये पत्ते, ये क्या आ रहे हैं? ये जो पत्ते हैं क्या? दानी भाई ये क्या बोल रहे हैं, मेरे तो समझ से बाहर है। ये बोल रहे हैं कि मराठी बोलनी आती है मेरे को।
चलो जैसे तैसे चला लेते हैं काम, इंग्लिश उंग्लिश और ये अपने से दूर है मराठी इंग्लिश। देखो भाई पानी कितना ठंडा। देखो भाई वहाँ जंगल तक जाती है, वहाँ जंगल तक जा रही है आगे नदी। जी क्या सोनिया, देखो भाई किसान नदी में नहाने लग रहे हैं। एक बंदा देखो जाल सेट कर रहा है मछली पकड़ने के लिए, एक अंकल जी जिगरे मजा आवे गिरा। देखो भाई कितना वाइट पानी है, प्योर वाइट बिल्कुल साफ। पेड़ है बेटी, तो जिगर है जिगर देख लो जिगरू मजा आवे की सर पे पानी तो गिर दे जिगर है। एक मिला सिर्फ उसमें दिखाना, ये ऐसे दिखाना। ये भाई अंकल ने आगे पोटली में डाल रखी इतनी सारी मछलियां। देखो भी बहुत सारी मछलियां मिल चुकी है। यहाँ पे सब छोटी छोटी है, बड़ी नहीं है ना, बड़ी नहीं। टच करिए मरगी। हाँ ले तेरी जेब में डालू के, ले एक थोड़ी सी एक डलवा ले। क्या था उरे गेट दियो क्या था आ जाए। ऑफ रोडिंग एडवेंचर चल पड़े हैं। अरे नीचे उतार के ले आए थे बाइक को। जमन का पेड़, जमन का पेड़ जिगरियो लग कौन रही बेटा। हाँ सी सार भर वाला उकलाना बुना आजा फेंक दे इस चीज जल्दी बैठ। हाँ फूल और दुआ दूँ आगे बैठो बैठो। आजा बोलना पहाड़ पर चढ़ना है। फिटनेस मतलब वेट मेंटेन रखने के लिए भी करते हैं। मेरा खुद का 102 के जी वजन। अच्छा ये तो पुलिस में। अच्छा अच्छा ये मोबाइल नंबर है भाई का, देख सकते हो। इस भाई एक डेढ़ घंटे ड्राइव के बाद रुके हैं, एक पेट्रोल पंप पे पानी पिया है और बाथरूम करा है। नदी से चलने के बाद सीधा पेट्रोल पंप पे रुके हैं, लगभग 30-40 किलोमीटर फटाफट निकाल दिया। धूप भी अब कम हो गई, बादल वगैरह है, मौसम अच्छा है। यही चैनल है क्या? हाँ जी हाँ। कहाँ से हो आप? यहाँ से, यहीं से। अच्छा पूरा फैमिली घूम रहे हो? हाँ जी हाँ जी।
आज 13वां दिन है। 13वां? हाँ जी, 40 दिन के आसपास लगेगा। तो दिन में कितना कर लेते हो? कभी 100 भी होता है, जैसे कोई चीज किला वगैरह देखने के आई वो पूरा दिन लग जाता है उसमें। यहाँ देखा ये करार, ये सातारा में? अरे आज ये पुणे से चले थे। हाँ। जल्दी निकला। अब यहाँ पे आसपास क्या है, कोल्हापुर में क्या है? इधर महाबलेश्वर करके जाना था ना, फिर मैं बोल रहा था। हाँ, अच्छा है ना वहाँ? बहुत अच्छा है। कोल्हापुर में लक्ष्मी मंदिर हिल स्टेशन है। हाँ हाँ, मैंने नेट पे देखा तो था। हाँ भाई, हिल स्टेशन अच्छा है, बहुत अच्छा है महाबलेश्वर। वो 300 साल पुराना त्रिशूल वगैरह वो रखते हैं वहाँ पे, अच्छा है उधर। कोई ना, अब आगे देखेंगे। और हम कन्याकुमारी रामेश्वरम होते हुए आएंगे फिर वापस। हाँ जी, हर रोज कम निकालते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं आती। 150-200 कभी 100 निकाल दे, कोई चीज़ देखने का रह जाता है तो हमारा हो गया। 17 से 50 किलोमीटर हाँ हाँ, वहाँ से 45 था जो बोर्ड लगा था ना। हाँ। 45 था, फिर वहाँ से गोवा से पीछे रहा होगा। हाँ हाँ, 45 किलोमीटर। हाँ, वहाँ से गोवा फिर 1020 था। यहाँ से गोवा है शायद 900 के आसपास। गोवा जाने वाले? हाँ, यहाँ से कर्नाटक गोवा, गोवा से केरला, केरला से कन्याकुमारी। कर्नाटक नहीं, कोल्हापुर से गोवा जाना सीधा? हाँ हाँ, कोल्हापुर से गोवा जाएंगे। कर्नाटक में किसी? कर्नाटक फिर आएगा नहीं बीच में, के बाद एक और था ना। केरला आएगा सीधा? सीधा गोवा आएगा ना, गोवा के बाद केरला। चलो ब्रदर, थैंक यू। आप जैसे मिलते रहते हैं, सपोर्ट मिलते रहे, कोई बोले तो वो घर वाली फीलिंग आ जाती है। हाँ, कभी 150 कभी 200 कभी कुछ इतना। तो भाई यहाँ पे मिले हैं महाराष्ट्र वाले भाई, और उन्होंने फटाक से हमको रोक दिया कि हाँ भाई, और मिले, हालचाल पूछा कि ले भाई, जियो के पेट्रोल पंप पे रुके थे और यहाँ पे सिर्फ कैश लेते हैं। मोदी जी बोलते हैं कि हमारा कैश लेस है, लेकिन अंबानी जी को कहना है कि कैश ले भाई। बस कर रहे हैं। हेलो, यहाँ के शोरूम्स भाई, हाँ 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 भाई, पहुँच चुके हैं कोल्हापुर, और कोल्हापुर में रात्रि निवास नाम से एक रूम बना रखे हैं। रूमों का किराया 1500-2000, और इतना देखो भीड़ बड़ा का, इतना ज़बरदस्त है भाई। यहाँ पे महालक्ष्मी का बड़ा मंदिर है एक, बहुत ज़बरदस्त भीड़ है भाई, बहुत ज़बरदस्त। और ऊपर है एक मंजिले ऊपर, पता चल नीचे ये देखो भाई, लिफ्ट के अंदर शानदार लिफ्ट है, बहुत ही गजब। ले भाई, अब रूम पे आते ही नहा धो लिए हैं और अब जा रहे हैं मंदिर के लिए। मंदिर में जाएंगे और मार्केट घूमेंगे और खाना भी खा के आना है, क्योंकि फिर ज़्यादा लेट हो जाएंगे। अभी 9 बज चुके हैं, तो फटाफट जा रहे हैं। और ये बच्चे देख रहे थे कार्टून। चलो चलते हैं। जी कर भाई, जिद्दी बंद रहा है। मम्मी मम्मी दूध क्या हो गया? ये भाई घूम रहे हम कोल्हापुर की मार्केट में, सोनिया में। जिगर जिगर, हेलो हेलो, फिर भाई कमेंट आ गए सोनिया सिर्फ हेलो हेलो कर रहा है। और की हेलो सही है, कि दिलान से ना हो कोनी मार्केट में टाइम टाइम ना हो। देख लो सोनिया की कहने लग रही है, ले लाइक जो जब रुकेंगे चांद ना। सोनिया का मार्केट में कि मैं दुकान देखो नहीं, थोड़ी तो है बैग में पहले से कुछ जगह नहीं है भाई। है, बात बोल रहे हैं, थोड़ी तो है।
रुक रुक जिगर इस साइड रुक। हाँ दो दे दो भाई। देखो भाई सोनिया ने कर दी है परचेस, ले लिए है नाट दे नाट दे। जिगर ले रहा बुड्ढी के बाल के है जिगर के बाल। बेच के दिखाइए के बाल ले लो। ये मार्केट है भाई कोल्हापुर की। एक भाई ने दे दिए ठीक है दुगू ने कर ली है डब्बा भर के डब्बा भर के ना ये बात मैं दीक्ष कह के दे फिर बाद में कहोगी वे शॉपिंग को नहीं करवाई। जिगर के खाओगा पहले होगा खिलौने के ऊपर ये है ठंडी ठंडी कैमरा। तो ये है भाई महालक्ष्मी मंदिर का द्वार गेट, बहुत ही बड़ा और पुराने टाइप का है, बहुत बढ़िया बना रखा है। क्या है ये मंदिर बना रखा है देखो, बिल्कुल पुराना मंदिर है वह, बिल्कुल पुराना, बिल्कुल पूरा दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि कैमरे के लिए मनाही कर रखी है, आपको कुछ कुछ दिखा देंगे। ले भाई बहुत ही पुराना मंदिर है, बहुत ही पुराना। जय महालक्ष्मी। दीपक जलाते हैं भाई, जब जैसा कि उज्जैन में दिखाया था दीपक स्तंभ, यहाँ पे दीपक जलाए जाते हैं किसी भी त्यौहार को, बहुत ऊंचाई पे है भाई ये। और सब कुछ पुरानी पुराना पुराना माहौल है भाई सब कुछ। ईब खाइए मुँह लगाएगी सीधी। कैसी लग रही है, कैसी है जिगर, मस्त है के बता दे। ले भाई हम दर्शन करके मंदिर से बाहर आ चुके हैं और ये बैक साइड था मंदिर। और जिगर सोनिया जिगरू जिगरू भाई कैसे हो, खोलेंगे भी माता की पहले कह दे जय माता दी, कह तो दे पहले। ये भाई आ चुके हैं होटल पे खाना खाने के लिए, अब जाके फिर रूम पे सोएंगे, फिर महालक्ष्मी जी के दर्शन कर आए हैं, अब खाना खाने के बाद सो जाएंगे। लव है जिगर ने आ गया मीनू पढ़ना, बता जिगर के मंगवाना है बता। ये वाली ये क्या क्या जिगर ये क्या ये लव है जिगर ने मीनू पढ़ना है क्या, इस साइड मुंह करके बता। हैं चावल पहले मुंह तो साफ कर ले हैं। जिगर ने ले लिया ये जिगर डालियो भूतड़ा ले लिया जिगर ने। ये देखो भी रात को मार्केट अब क्लोज होती जा रही है कोल्हापुर की। ये दे